माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं इस सदन के मंच में पुनः एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा जो सफाई कर्मचारियों से संबंधित है उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से चुन करके आता हूँ और भदोही कालीन की नगरी में विश्व में मशहूर है। प्रदेश में मात्र एक भदोही ऐसा जिला है कि जहाँ 14 वर्ष बीत गए लेकिन आज तक एक भी सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई है। वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने सफाई कर्मी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत है और हमारे देश और जिले के स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सफाई कर्मचारियों की है। यह मुद्दा मैंने 2021 में वर्ष बजट में सत्र में उठाया था लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में बसपा सरकार में 2008 में 1272 राजस्व गांवों में सफाई कर्मचारियों के नियुक्ति के रूप में आवेदन जारी किया था लेकिन पुनः प्रक्रिया धाधली अनियमितता के कारण पूरी नहीं हुई। वर्ष 2008 में सफाई कर्मचारी पद की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। पहली बार में 1272 पद, दूसरी बार में 80,000 व तीसरी बार में 7,00,000 आवेदक आए। तब से लेकर आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पूरे प्रदेश में हर जिले में सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई है लेकिन किसी कारणवश हमारे जिले में सफाई कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण पिछले कुछ महीने से जिला मुख्यालय पे सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 14 वर्ष विलंब हुआ है जिसके कारण लाखों आवेदकों के जीवन यापन नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे में तत्काल हस्तक्षेप करें और राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि इस भर्ती की प्रक्रिया को अगले एक महीने में पूरा किया जाए, जिससे परिषदीय स्कूल पंचायत के अधीन आने वाली सरकारी भवन सार्वजनिक स्थान की साफ सफाई के लेकर के सामने आने वाली समस्या का समाधान होगा और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित स्वच्छ भारत का लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद।